एंड यू विल इमीजिएटली सी ये क्वेश्चन अभी क्यों हो रहे हैं. ऑप्शन भी लिख लीजिएगा. Yes, keep on working, all of you. You must do it. देखिए राइट डायग्राम सक्सेस ओनली इफ देयर इज राइट डायग्राम. पहला सर्कल हो गया, दूसरा हो गया और ये दो लाइन से, इन दो लाइन से. यस, पहला लाइन y इक्वल टू x, दूसरा लाइन y इक्वल टू 0. तो इन सबसे बाउंडेड तो यही पोर्शन है. क्या यही पोर्शन आपने शेड किया है? यही शेड होगा भाई, बिल्कुल यही शेड होगा. आइए, सो जो एरिया है वो है डबल इंटीग्रल dx dy ओवर द शेडेड पोर्शन. थीटा बताइए शेडेड पोर्शन का थीटा. ये 45 डिग्री का लाइन है ना, 0 से π/4. ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा जवाब दे दो भाई. आर, हाँ ध्यान से ऐसे, अभी पिछले क्वेश्चन जैसे ही तो है. कहाँ से आएगा भाई? हाँ गुड गुड, अच्छा है, झगड़ा होना भी चाहिए, हम बताएंगे पहले. गुड, बताना चाहिए आप लोग. हाँ जी, जेकोबी है ना आपका. रेस्ट यू नो क्या करना है. बस यहाँ रिडक्शन फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन से कर लेते हैं. ये कितना है? 12/2, ये सही लिखा है ना, 2 स्क्वायर. हाँ ठीक है, 16 - 4 is 12/2, that is 6. cos square को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? 2 cos² θ - 1 करके कुछ होता है ना फॉर्मूला, या cos 2θ - 1, जो भी है मतलब. प्लीज ऑल ऑफ यू कोई फॉर्मूला बताएगा cos square theta का, फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos ही बता दो. चलो cos 2θ + 1/2, ये आई थिंक
प्लस आएगा माइनस आएगा? अरे मत करो भाई ऐसा, प्लस है या माइनस? एग्जैक्टली फॉलो भी हो, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, ये प्लस है माइनस है? चलिए जी आपकी बात मान ली, प्लस है भैया, प्लस है तो प्लस का कर दीजिए, करिए, अब तो करना पड़ेगा। फटाफट आंसर निकालिए, ऑप्शंस आपको सबको दिए जा चुके हैं।